वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर एमपी शर्मा जी के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था, जिसमें मरीज़ को सभी संभावित दुष्परिणामों और के बारे में अवगत करवाया हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को डिस्चार्ज कर दिया था, फिर किसी कारणवश तबीयत बिगड़ी तो मरीज़ को उचित इलाज दिया गया, आवश्यकता होने पर हायर सेंटर भी भेज दिया गया था। मरीज़ ठीक भी हो गया, पर मरीज़ के परिजन इससे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उनको सारी बातें समझा दी गई, पर लास्ट में उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए उनको धमकी देनी चालू कर दी कि अगर हमें पैसे नहीं दिए गए 3 लाख रुपए तो हम आपको जान से मार देंगे। इस कारण हमारा समस्त चिकित्सक समुदाय आहत है और भय के इस माहौल में काम करना मुश्किल है, क्योंकि मरीज़ के रिश्तेदार डॉक्टर साहब के घर पे जाकर के भी उनको धमकियां देने लग गए थे। इस कंडीशन में हम सारे IMA के डॉक्टर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं और SP साहब को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और डॉक्टर्स को है वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि हम आराम से अपना कार्य कर सकें। डॉक्टर सुधीर डूडी, जनरल सेक्रेटरी IMA हनुमानगढ़। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को मिली है जान से मारने की धमकी, और धमकी के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मैदान में उतरी है और SP हनुमानगढ़ अजय सिंह राठौर से उन्होंने मुलाकात की है और धमकी देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि माजरा क्या है। डॉक्टर्स यूनियन के सदस्य बता रहे हैं इस मामले पर तफ्तीश के क्या है आखिरकार मामला। हनुमानगढ़ के पूर्व PMO और यहाँ के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर MP शर्मा को एक मरीज़ ने पैसे ऐंठने के चक्कर में जान से मारने की धमकी दी है। कई बार उनके घर गया है, उनकी वाइफ को, उनको बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर डॉक्टर साहब ने 3 लाख रुपए उसे नहीं दिए तो वो इन्हें गोली मार देगा, जिसके सारे सबूत भी उपलब्ध हैं। इसी चक्कर में सारे चिकित्सकों में रोष व्याप्त है, सब डरे हुए हैं कि इस तरह का अगर काम होगा, कोई भी मरीज़ की गारंटी नहीं होती, ऑपरेशन करते हैं, ये मरीज़ तो ठीक भी हो गया, उसके बाद अब ये पैसे ऐंठने के लिए बार बार धमकियां दे रहा है। इसी कारण हम आज SP साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं कि आदमी बार बार धमकियां दे रहा है कि गोली मार दूंगा। इस डर से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरा परिवार दहशत में है। हम सब हमारे डॉक्टर MP शर्मा जी के साथ हैं और आज SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उसको गिरफ्तार करके उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर्स की मांग के अनुसार धमकी देने वाले पर SP हनुमानगढ़ के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।